चलिए, आज का आपका टॉपिक है बुद्ध प्रतिमा। ठीक, हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया? आप लोगों का गेस्टाल्ट सिद्धांत कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ी हैं, सौंदर्य बोध का सिद्धांत, उसके बाद आपके जो भी हिंदू देवी देवताएं हैं उनके कालक्रम, उसके बाद अष्टदिक्पाल, अष्टदिक्पाल के बाद जितने भी देवी देवता में हैं जैसे शिव, विष्णु, गणेश और कार्तिकेय। ठीक है, आज के टॉपिक में आपका है बुद्ध प्रतिमा। इसमें देखिएगा, गंगा घाटी में छठी शताब्दी में जिन नए धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ उनमें सर्वाधिक सशक्त एवं चुनौतीपूर्ण धर्म बुद्ध द्वारा प्रतिपादित कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध धर्म संगति के दौरान कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन दो संप्रदायों में हुआ। अब मेन आपका यहाँ पे टॉपिक आता है दो संप्रदाय, वो संप्रदाय कौन सी है? सबसे पहले है आपकी हीनयान संप्रदाय, जिसे आप कहते हैं श्रावक काय, श्रावक यान संप्रदाय भी होता है और इसे हीनयान संप्रदाय भी कहते हैं। सबसे पहले समझिएगा आपकी हीनयान संप्रदाय क्या होती है। हीनयान जो संप्रदाय है वो निम्न वर्ग, कहा जाता है कि निम्न वर्ग के अंतर्गत हीनयान संप्रदाय को रखा जाता है बौद्ध धर्म में, और महायान संप्रदाय जो होती है उच्च वर्ग में आते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म का जो ये संप्रदाय है महायान, ये उच्च वर्ग में दर्शाया गया है। और कहा गया अजंता में अधिकतर जितनी भी बौद्ध गुफाओं में जितनी भी बौद्ध धर्म के चित्र मिले हैं, भित्ति चित्रण मिले हैं, वो सब कहा गया उनके किस संप्रदाय में है? महायान संप्रदाय में है। ठीक है, तो ये दो आपके संप्रदाय हैं जो आपको याद रखने हैं, दो संप्रदाय आपकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक मिनट, नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध धर्म के अतिरिक्त आरंभिक स्वरूप किसमें प्राप्त होता है? बौद्ध धर्म के आरंभिक स्वरूप जो है वो हीनयान में बुद्ध अन्य लोगों में से अलग समझे जाते हैं। अब जो हीनयान संप्रदाय है बुद्ध के अन्य लोगों में से अलग है, और जो हीनयान संप्रदाय है जो निम्न वर्ग के अंतर्गत आया है वो मुख्य रूप से आपका भारगुत और सांची में मिलता है, इनका हीनयान संप्रदाय। अब बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान जो दो संप्रदाय हैं ये आपको बौद्ध धर्म में मिलेगा, लेकिन जब आप जैन धर्म की बात करेंगे तो जैन धर्म में आपको दो संप्रदाय मिलेगा, वो है श्वेतांबर और दिगंबर, जिसमें आपको श्वेतांबर पढ़ना है और दिगंबर पढ़ना है, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हीनयान और महायान में हीनयान निम्न वर्ग के अंतर्गत हो गया लेकिन महायान उच्च वर्ग में। अब यहाँ पे जो श्वेतांबर है जैन धर्म का, श्वेतांबर यानी कि सफेद वस्त्र, सफेद वस्त्र, और दिगंबर का यहाँ पे मतलब होता है नग्न। ठीक है, ये श्वेतांबर और दिगंबर की दो संप्रदाय हैं जो किसमें आते हैं? आपके जैन धर्म में आते हैं। तो ये दोनों आपको हमेशा याद रखने हैं कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर आपका यही है कि बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान होता है और जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर होता है। अब नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के आरंभिक स्वरूप हीनयान में बुद्ध अन्य में से समझे गए हैं। भरहुत और सांची के स्तूप का जब निर्माण हुआ तो उसमें बुद्ध से संबंधित कथानकों का अंकन किया जाने लगा, परंतु बुद्ध से संबंधित प्रतिमाओं का वर्णन कुषाण काल से ही प्रारंभ हुआ। अतः शुंग शासन काल में बुद्ध का चित्रण प्रतीकों के माध्यम से किया गया है। अब हम पहले प्रतीक देख लेंगे क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी पूछे गए हैं, और बौद्ध धर्म का सबसे बेसिक आपका जो पॉइंट स्टार्ट होता है वो इनके प्रतीकों से ही स्टार्ट होता है, तो हम उसे देख लेते हैं। तो बुद्ध धर्म के जीवन से संबंधित क्रम, ये इनके क्रम भी हैं और इनके प्रतीक भी। तो सबसे पहले इनका जो क्रम है वो है सबसे पहले लुम्बिनी। लुम्बिनी में क्या हुआ? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, बोधगया में ज्ञान प्राप्त, सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया, और कुशीनगर में इनकी क्या हुई?
मृत्यु हो गई। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, क्योंकि कभी एग्जाम में आपको सीक्वेंस करने के लिए दे देता है, जैसे बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी, और आपको बोल दिया गया कि आप इसको कालक्रम में लगाइए। तो जब आपको पता होगा कि लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ है, बोध गया में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई, तो ये इसका कालक्रम है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है अब इनके हम प्रतीक को भी देखते चलेंगे इमेज के द्वारा, ताकि आपको अच्छे से वो याद हो जाए। अभी तो हमने प्रतीक याद किया कि इनका प्रतीक क्या है। अब इनका जो जन्म है बुद्ध के जीवन से संबंधित बुद्ध धर्म प्रतीक, ठीक है, इनका जन्म हुआ तो इन्होंने जब जन्म लिया तो उनका जो चिन्ह माना जाता है वो क्या है। इनका जो चिन्ह है वो है कमल और सांप, ठीक है, इमेज आप अच्छे से देख लीजिए, कमल और सांप। फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट, जब इन्होंने ग्रह त्याग किया, ग्रह त्याग का मतलब यहाँ पे होता है महाभिनिसिक्रमण, तो ग्रह त्याग और महाभिनिसिक्रमण आपका एक ही माना जाता है, ठीक है, या तो फिर महाभिनिसिक्रमण से आ जाएगा तो भी वो ग्रह त्याग ही होगा, और ग्रह त्याग से आ जाएगा तो इनका जो ग्रह त्यागने के बाद इनका जो प्रतीक बना है वो किस क्या बना है, घोड़ा, ठीक। जब इनका जन्म हुआ कमल और सांड का प्रतीक हुआ, इन्होंने ग्रह को त्यागा तो इनका प्रतीक क्या हुआ, घोड़े का हो गया। उसके बाद जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, तो इसका जो प्रतीक है वो क्या माना जाता है, बोधि वृक्ष कहा जाता है, पीपल पेड़, यानी कि बोधि वृक्ष के नीचे ही बैठ के इन्होंने क्या प्राप्त किया था, ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जब इनका निर्वाण हुआ, तो इनका जो चिन्ह है वो क्या है, आपका पद्म चिन्ह है, ठीक है, ये इनका पूरा पद्म चिन्ह है, इसको देख लीजिए, इनका निर्वाण हुआ तब इनका पद्म चिन्ह। उसके बाद जब इनकी मृत्यु हुई, मृत्यु यहाँ पे होती है महापरिनिर्वाण, यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई, एक तरीके से इनको मृत्यु ही कहेंगे, जब इनके प्राण को इन्होंने त्याग दिया, महापरिनिर्वाण हुआ, तो उस स्तूप में आप, उस चिन्ह में आपका क्या माना गया, स्तूप। जो ये स्तूप है मौर्य काल में, जो 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया है सम्राट अशोक ने, कहा गया इनकी अस्थियों को उसी के अंदर ही नीचे ही दफनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो शव होते हैं उनको जलाया नहीं जाता था, ठीक है। तो जब इनकी मृत्यु हुई यानी कि महापरिनिर्वाण हुआ, तो क्या चिन्ह दर्शाया गया, स्तूप का। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, एक बार मुझे बता दीजिए। यस मैम। ओके, नेक्स्ट है अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है बुद्ध की विभिन्न मुद्राएं, ठीक है। अब हम मुद्राओं की बात करेंगे, क्योंकि बुद्ध के बहुत सारे ऐसे मुद्राएं हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इनकी जो मुद्रा है वो है अभय मुद्रा, ठीक है, अभय मुद्रा। अभय मुद्रा कुछ इस प्रकार होता है, जिनमें इनके जो बायां हाथ है, सॉरी, जिनका जो दाहिना हाथ है वो अभय मुद्रा में दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए कुछ इनका डिटेल है। बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की तांबे की मूर्ति अभय मुद्रा में प्राप्त हुई, जो गुप्त काल की है। ये आपका PYQ एंड इम्पोर्टेंट। बुद्ध की अभय मुद्रा निर्भयता और आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, ये आपका मेन पॉइंट है, कीवर्ड है, कि जो बुद्ध की अभय मुद्रा है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो निर्भयता और आशीर्वाद का। नेक्स्ट मुद्रा है इनकी वरद मुद्रा। वरद मुद्रा कुछ इस प्रकार है, ये
अर्पण, ईमानदारी और दया का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट मुद्रा इनकी है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा में इसमें दोनों हाथ गोद में रखे होते हैं। आपने देखा, ये देखिए इमेज भी आपको दिख रही है कि इनके जो दोनों हाथ हैं वो कहाँ पे रखा है, गोद में रखा हुआ है। तो ये कौन सी मुद्रा होती है, ध्यान मुद्रा होती है। नेक्स्ट इनकी मुद्रा है भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा में इसमें दायां हाथ घुटने पर रखा होता है और बायां हाथ गोद पे। इमेज में देखिए इनका जो बायां हाथ है वो गोद पे है और दाहिना हाथ कहाँ पे है, घुटने पर है। तो ये कौन सी मुद्रा है, भूमि स्पर्श मुद्रा, यानी कि भूमि को थोड़ा सा स्पर्श करते हुए ये बैठे हुए हैं। तो ये है, यह मुद्रा ज्ञान प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट इनकी मुद्रा आएगी नेक्स्ट है धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में देखिए धर्म उपदेश, धर्म उपदेश। धर्म चक्र प्रवर्तन में बुद्ध का सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ से प्राप्त है, सारनाथ में। एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकी। अब ये धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा देख लीजिए। ठीक है, दोनों हाथ को दर्शाया गया है। नेक्स्ट मुद्रा इनकी है करण मुद्रा। करण मुद्रा में क्या है, यह मुद्रा बुराई से बचाने की ओर प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट इनकी मुद्रा आएगी वज्र मुद्रा। वज्र मुद्रा में देखिए बुद्ध की यह मुद्रा उग्र वज्र के पांच तत्वों, यानी कि उग्र वज्र के पांच तत्व जैसे वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश का मिश्रण माना जाता है। जिसमें इन्होंने क्या किया, वज्र की तरह, वज्र का मतलब समझ रहे हो, जैसे कि कोई देवता होता है वो कोई अस्त्र उठाता है, जैसे मान लीजिए एक तरीके से हम कह देंगे गदा। इनका जो देखिए जो इनका मुद्रा बना है, उन्होंने क्या किया, एक उंगली को सीधा खड़ा किया है और इन्होंने दूसरी हाथ से उस उंगली को इन्होंने पकड़ा है। ये इनकी वज्र मुद्रा है। जो कहा गया है पांच तत्व जैसे कि वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश का मिश्रण है। नेक्स्ट है वितर्क मुद्रा। वितर्क मुद्रा में बुद्ध की यह मुद्रा अभय मुद्रा के समान है। देखिए जरा सा, ये अभय मुद्रा के ही समान लग रही है, परंतु अंगूठा तर्जनी अंगुली को छूता हुआ दर्शाया गया है। अभय मुद्रा में आपने देखा होगा एकदम सीधा दर्शाया गया है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, थंब से यानी कि अंगूठे से और तर्जनी उंगली को छूता हुआ दर्शाया गया है, इसीलिए थोड़ा सा अलग हो गया और ये मुद्रा इनकी कहलाती है वितर्क मुद्रा। जो शिक्षा के प्रचार एवं परिचर्चा का प्रतिनिधित्व करता है। जब इन्होंने शिक्षा दिया तो उसी के समय शिक्षा के प्रचार एवं परिचर्चा का प्रतिनिधित्व करता है इनकी कौन सी मुद्रा, वितर्क मुद्रा। वितर्क से ही आप समझ जाओगे, वितर्क का मतलब यहाँ पे क्या होता है, किसी से बात करना। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी मुद्रा वितर्क है जो अभय मुद्रा के ही समान है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अभय मुद्रा के समान कौन सी मुद्रा दर्शाई गई है, तो वितर्क मुद्रा। नेक्स्ट मुद्रा है उत्तर बोधि मुद्रा। उत्तर बोधि मुद्रा कुछ इस प्रकार है। इस मुद्रा में दोनों हाथ को जोड़कर हृदय के पास रखा जाता है, तर्जनी उंगली या एक दूसरे को छूते हुए ऊपर की ओर होती है और अन्य अंगुलियां अंदर की ओर मुड़ी होती हैं। हमने सूर्य नमस्कार करते हैं वैसे ही हम हाथ बनाएंगे और क्या करेंगे, एक दूसरे दो जो तर्जनी उंगली है, जो हमारी थंब के जस्ट बगल वाली तर्जनी उंगली होती है, वो एक दूसरे को छूती हुई ऊपर की ओर उठी होती है और जो अन्य अंगुलियां होती हैं वो अंदर की ओर मुड़ी होती हैं। तो ये मुद्रा कहलाती है उत्तर बोधि मुद्रा। और यह मुद्रा ऊर्जा के साथ आत्मज्ञान की प्राप्ति का भी प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, ये बुद्ध की मुद्रा है। नेक्स्ट मुद्रा इनकी आती है
अंजलि मुद्रा। अंजलि मुद्रा जो है वो पूरे तरीके से नमस्कार की मुद्रा में है। इस मुद्रा को नमस्कार मुद्रा या हृदयांजलि मुद्रा भी कहते हैं, और यह मुद्रा अभिवादन, प्रार्थना, आराधना का भी प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये मुद्रा होती है अंजलि मुद्रा। तो ये कुछ थी आपकी मुद्राएं। यहां तक क्लियर हो गया? आगे आएंगे ध्यानी बुद्ध में। तो ध्यानी बुद्ध के कुछ पॉइंट्स हैं। बौद्ध धर्म के वज्रयान मत में पांच ध्यानी बुद्ध यानी कि पंच ध्यानी बुद्ध और उनके साथ उनकी शक्तियों की कल्पना की गई है। स्वर्ग में निवास करते हुए ध्यानी बुद्ध ने अपनी शक्तियों के द्वारा बोधिसत्व को जन्म दिया और बोधिसत्व की शक्तियों को भी नारी के रूप में अभिव्यक्त किया है। पंच ध्यानी बुद्ध में बुद्ध की संख्या पांच है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पंच ध्यानी बुद्ध में बुद्ध की संख्या कितनी है? पांच है। चलो तो पंच ध्यानी बुद्ध में देखिएगा, पंच ध्यानी बुद्ध में बुद्ध की संख्या कितनी है? पांच है। बाद में सूची में छठे ध्यानी बुद्ध को भी जोड़ दिया गया है, परंतु मुख्य रूप से पांच ध्यानी बुद्ध ही माने जाते हैं। ठीक है, छठा को भी ऐड किया गया है, बट मुख्य रूप से कितने हैं? पांच हैं। तो पांचों को हम देख लेते हैं। वो पांचों में इनके नाम हैं। सबसे पहले हैं अमिताभ। देखिएगा, ये आपके सीक्वेंस है, आपको सीक्वेंस से ही याद करना है। सबसे पहले हैं अमिताभ, दूसरे हैं अक्षोभ्य, तीसरे हैं वैरोचन, चौथे हैं अमोघ सिद्धि, पांचवें नंबर पे रत्न संभव, छठे नंबर पे वज्र सत्व। ये आपके कौन से हैं? पंच ध्यानी बुद्ध। यहाँ पे देखिए, अतः विभिन्न ध्यानी बुद्धों से संबंधित देवियों की भी कल्पना की गई है, जिसमें कल्पना करना में क्या कहलाता है? तारा कहलाता है। हम लोग हिंदू देवी देवताओं में देवी देवता बोलते हैं, लेकिन ध्यानी बुद्धों में देवियों की अगर हम कल्पना करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे पूछे कि ध्यानी बुद्ध से संबंधित देवियों की कल्पना करने को क्या कहा जाता है, तो वो क्या कहलाता है? तारा। ध्यानी बुद्ध की उत्पत्ति ह्वेनसांग के समय मानी गई, और बौद्ध देवी देवताओं में अनेक रूप निर्माण की कल्पना की गई, जैसे इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा। ये आरती जो लिखा है ये पार्वती है। ठीक है, पार्वती, लक्ष्मी, कुबेर के स्वरूप का प्रभाव वसुधारा एवं जलग्न की प्रतिमा से प्राप्त होता है। ये जलभल लिखा है, जलभल नहीं है, इसको मैं करेक्शन करके आपको पीडीएफ में दे दूंगी। तो ये जो प्रतिमाएं हैं ये बौद्ध धर्म में इनकी कल्पना की गई है तो ये हिंदू देवी देवताएं, लेकिन इनकी कल्पना बौद्ध धर्म में भी की गई है। कुछ देवी देवताओं के स्वरूप निर्धारण में जनजाति तत्वों का समावेश भी हुआ। इन विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं उत्तर और पूर्वी भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त हुआ है। जो राज्य संग्रहालय पटना, इंडियन म्यूजियम कोलकाता तथा ढाका म्यूजियम में संग्रहित है। ठीक है, और ये बताइए, मैंने उसमें तो अंडरलाइन नहीं किया, और वाहन इनका क्या है? मयूर, चिन्ह, कमल, बोधिसत्व, इनका है अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि, देवियों में इनका है कुरकुल्ला, शुक्ल कुरकुल्ला और तारोद्भव कुरकुल्ला। तो ये इनकी देवियां हैं। और आपको इसमें याद क्या करना है, जो मेन पॉइंट पे फोकस करना है वो है आपका इनका पहला अमिताभ, इनका जो पहला ध्यानी बुद्ध में माना जाता है। इनके रंग को करना है, इनकी मुद्राएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनका चिन्ह और इनके बोधिसत्व।
ये हो गया आपका रंग, मुद्राएं, चिन्ह और इनकी बोली सब। ठीक है, ये आपका हाईलाइट पॉइंट है, लेकिन आपको देखने सभी हैं। नेक्स्ट है अक्षोभ्य। अक्षोभ्य का रंग है नीला। किस तत्व से मिलके बना है? वायु से। मुद्रा है इनकी भूमि स्पर्श मुद्रा। इनका जो वाहन है वो है गजयुगल, और इनका जो चिन्ह है, प्रतीक है, वो है वज्र। बोधिसत्व वज्रपाणि। देवियां हैं प्रज्ञा पारमिता और वसु धारा। ठीक है, अमिताभ का क्या है? बोधिसत्व पद्म पाणि। अक्षोभ्य का है वज्रपाणि। जस्ट उसका अपोजिट है, अमिताभ का पद्म पाणि और अक्षोभ्य का वज्रपाणि। नेक्स्ट वैरोचन। वैरोचन का श्वेत यानी कि सफेद रंग, आकाश, मुद्रा धर्म चक्र, नाग युगल, चिन्ह चक्र, बोधिसत्व सामंत भद्र, देवी है मारिची। नेक्स्ट है इनके अमोघ सिद्धि। अमोघ सिद्धि का है हरा। उसके बाद इनका जो तत्व है मिट्टी, मुद्रा है इनकी अभय मुद्रा। इनका जो एक तरीके से वाहन माना जाता है वो है गरुड़ युगल। चिन्ह है सप्त फणयुग नागराज। बोधिसत्व है विश्वपाणि और इनकी देवी है महामयूरी। नेक्स्ट है रत्न संभव। रत्न संभव में इनका जो रंग है वो है पीला। उसके बाद इनका तत्व अग्नि। मुद्रा है वरद मुद्रा। फिर है इनका सिंह युगल। फिर है इनका रत्न जो चिन्ह है, और बोधिसत्व रत्नपाणि। देवियां हैं वसुधरा और महाप्रतिसरा। तो नेक्स्ट अब आता है आपका छठे नंबर पे, वो है वज्र सत्व। वज्र सत्व में इनका जो रंग है वो अभी तक प्रमाण नहीं मिला है। इसका इनका मुद्रा है ध्यान मुद्रा। इनका जो चिन्ह है वज्र एवं घंटा। बोधिसत्व है घंटा पाणि। तो ये रहे आपके पंच ध्यानी भूत, जिसमें आगे चल के छठे को भी जोड़ा गया था, बट छठे के इतने ज्यादा प्रमाण नहीं प्राप्त हैं। केवल और केवल इनकी मुद्राएं और इनकी चिन्ह और इनके बोधिसत्व। ठीक है, तो ये है आपके पंच ध्यानी भूत। यहां तक क्लियर है? मानुषी बुद्ध बोधिसत्वों के मुख्य रूपधारी प्रतिनिधित्व होते हैं, जो सामान्य मनुष्यों की तरह जन्म लेकर अपना कार्य करते हैं। मानुषी बुद्ध में क्या होता है कि सप्त मानुषी बुद्ध होते हैं। जैसे अभी ध्यानी बुद्ध था, वो पंच ध्यानी बुद्ध है, इसी तरह ये मानुषी बुद्ध है, जिसको हम कहते हैं सप्त मानुषी बुद्ध, यानी कि सात मानुषी बुद्ध। मानुषी बुद्धों की कई सूची में इनकी संख्या कितनी बताई गई? 32 बताई गई है, किंतु इसमें अंतिम सात मानुषी बुद्ध ही मुख्य माने जाते हैं। टोटल तो कहा गया है कि मानुषी बुद्ध 32 होते हैं, लेकिन अंतिम के जो सात होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। इस सब सात मानुषी बुद्ध के नाम इस प्रकार हैं, तो नाम देख लीजिए जी। सबसे पहले है विपश्यी, दूसरे नंबर पे है शिखी, तीसरे नंबर पे विश्वभू, कुपुछंद, कनक मुनि, कश्यप, शाक्य सिंह, गौतम बुद्ध। ये सातों सप्तमानुषी बुद्ध हैं। इनको कालक्रम में भी दिया जा सकता है, तो इसे आप याद करेंगे। सप्तमानुषी बुद्ध में ये सारी चीजें हैं। अतः वर्तमान युग में
चल रहे ध्यानी बुद्ध में अमिताभ, बोधिसत्व में अवलोकितेश्वर और मानुषी बुद्ध में गौतम बुद्ध प्रसिद्ध हैं। ये कैसे क्लियर होगा? वर्तमान में चल रहे ध्यानी बुद्ध, अभी मैंने आपको ध्यानी बुद्ध पढ़ाया, ध्यानी बुद्ध में पहला ही मैंने आपको बताया था अमिताभ, तो हमने ध्यानी बुद्ध से क्या ले लिया? अमिताभ ले लिया। बोधिसत्व मैंने आपको पढ़ाया सबसे पहले अवलोकितेश्वर, तो बोधिसत्व में अवलोकितेश्वर हो गया, और मानुषी बुद्ध में गौतम बुद्ध यानी कि सातवें नंबर के गौतम बुद्ध। तो वर्तमान में ये देवता चल रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्तमान में जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में ध्यानी बुद्ध कौन से हैं, बोधिसत्व कौन है, मानुषी बुद्ध कौन है, तो ये है। नेक्स्ट पॉइंट, कुषाण काल में मथुरा और गांधार में मानव रूप में बुद्ध का अंकन प्रारंभ हुआ और गुप्त काल में मथुरा, सारनाथ एवं बिहार के सुल्तानगंज, भागलपुर जिले में अनेक मूर्तियां प्राप्त हैं। नोट यहाँ पे देखिए, हीनयान के अनुसार मानुषी बुद्ध की संख्या कितनी है? 24 है। और महायान के अनुसार मानुषी बुद्ध की संख्या कितनी है? 32 है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि हीनयान के अनुसार मानुषी बुद्ध की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। और महायान के अनुसार मानुषी बुद्ध की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। अब मानुषी बुद्ध की प्रतिमाएं हम देख लें, तो मानुषी बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं वो राजकीय संग्रहालय मद्रास से प्राप्त है। कौन सी? बुद्ध की ध्यानस्थ मूर्ति कांस्य की बनी है, यानी कि ध्यान मुद्रा में। नेक्स्ट है बोधगया, नालंदा कुर्कीहार से प्राप्त है। एलोरा के गुफा संख्या 10 से प्राप्त है, जिसमें बुद्ध की मूर्ति किससे युक्त है? आभूषणों से। आपको बस मेन क्या याद करना है? ये कि बुद्ध की जो मानुषी बुद्ध की प्रतिमाएं मिली हैं वो कहाँ कहाँ से मिली हैं, उसको आप छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपको पता है मानुषी बुद्ध के बारे में है, बस आपको स्थान याद रखना है। नेक्स्ट, अजंता की गुफा संख्या 20 और 26 से प्राप्त है। श्रीलंका के गल विहार से प्राप्त है। बुद्ध की विशाल काय कौन सी मूर्ति? महापरिनिर्वाण मूर्ति। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम आते हैं बोधिसत्व में। ध्यानी बुद्ध हो गए आपके, मानुषी बुद्ध हो गए, अब नेक्स्ट आपका आएगा बोधिसत्व। बोधिसत्व याद रखिएगा, बोधिसत्व एक तरह के तरीके से इनकी देवियों को हम कहते हैं, ठीक है। बोधिसत्व, कंफ्यूज मत होइएगा, बोधिसत्व अलग है, मानुषी बुद्ध अलग है और ध्यानी बुद्ध अलग है। बोधिसत्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अर्थ बोध प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। फिर से एक मैं से रिपीट कर रही हूँ, बोधिसत्व का शाब्दिक अर्थ बोध प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। प्रत्येक ध्यानी बुद्ध और उसकी शक्ति से उत्पन्न अलग अलग बोधिसत्व हैं। ह्वेन सांग के समय नागा अर्जुन, अश्व घोष, मैत्रेयनाथ, आर्यदेव और बोधिसत्व के नाम से पुकारे गए हैं। ये जो है नागार्जुन थे, अश्वघोष थे, मैत्रेयनाथ थे, आर्यदेव थे, ये जो ऐसे व्यक्ति थे ह्वेन सांग के समय, वो इतने ज्यादा प्रतिष्ठित थे कि कहा जाता था ये सब बोधिसत्व के नाम से पुकारे जाते थे। और बोधिसत्व की कल्पना बौद्ध धर्म के महायान संप्रदायों में से सबसे बड़ी विशेषता मानी गई है, ठीक है। याद रखिएगा, जो बोधिसत्व की कल्पना है वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय की सबसे बड़ी विशेषता है। बोधिसत्व मुख्य पांच हैं, जिसे हम ध्यानी बुद्धों के अंतर्गत भी वर्णन करते हैं। अभी मैंने ध्यानी बुद्ध में किया था पांचों बोधिसत्व के बारे में, तो बोधिसत्व भी कितने होते हैं? पांच होते हैं, किंतु आगे चलकर एक बढ़ा दिया गया जो इस प्रकार है।
कौन कौन से हैं वो? होते तो पांच हैं, लेकिन नेक्स्ट थर्ड नंबर सिक्स नंबर पे बढ़ा दिया गया, जैसे ध्यान बुद्ध में बढ़ाया गया था। तो ये है पद्मपाणी, इसको हम लोग कितेश्वर भी कहते हैं, वज्रपाणी, सामंत भद्र, विश्वपाणी, रत्नपाणी और घंटापाणी। ठीक है, मुख्य रूप से कितने माने गए हैं? पांच, लेकिन आगे चलकर कितने जोड़ दिए गए हैं? छठे नंबर पे। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि पौराणिक रूप से ध्यानी बुद्ध कितने माने गए हैं, तो पांच पूछा जाए, उसमें कौन से नंबर पे जोड़कर कितने हो गए, तो छठा नंबर जोड़ा गया है, छह हो गए हैं। कौन सा ऐड हुआ है? तो घंटा पाणी ऐड हुआ है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं, इसलिए इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद है मध्य युग में बोधिसत्व की स्थानक और आसन दोनों की मुद्राओं में प्रतिमाएं निर्मित की गई हैं। बोधिसत्व के अनेक रूपों में मंजूश्री, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, ये इनके नाम आते हैं किसमें? बोधिसत्व के अनेक रूपों में। जैसे कि आप देख लीजिए इमेज मंजूश्री, ये आठवीं से नौवीं शताब्दी की है। ठीक है, ये है मंजूश्री। मंजूश्री महायान संप्रदाय के अत्यंत प्रतिनिधित्व बोधिसत्व मानी गई है। मंजूश्री महायान सब, जब से आपसे मंजूश्री की बात की जाए, क्वेश्चन में भी आपसे है मंजूश्री की, तो ये महायान संप्रदाय की है। मंजूश्री का संबंध किससे है? विद्या से है। एक नोट है, मंजूश्री नामक व्यक्ति चीन के निवासी थे। इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग कर दिव्य बोधिसत्व के रूप में आविर्भूत हो गए थे। ठीक है, मंजूश्री नामक एक चीन में व्यक्ति थे जो वही निवास करते थे, और इन्होंने क्या किया, अपना नश्वर जो शरीर है वो त्याग दिया और बोधिसत्व के रूप में ये माने जाने लगे। इस प्रकार प्रतीत होता है कि मंजूश्री एक महान पुरुष थे, और तीसरी शताब्दी के बाद उनकी स्थापना बोधिसत्व के रूप में मानी गई है। जिस प्रतिमा के सिर पर ध्यानी बुद्ध की सूक्ष्म प्रतिमूर्ति नहीं होती है, उसे स्वतंत्र मंजूश्री बोधिसत्व माना जाता है। ये लाइन फिर से देखिएगा कि जिस प्रतिमा के सिर पर ध्यानी बुद्ध की सूक्ष्म प्रतिमूर्ति नहीं होती, उसे स्वतंत्र मंजूश्री बोधिसत्व माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मंजूश्री की प्रतिमा इन सभी स्थानों में प्राप्त है, जैसे कि सारनाथ, बिहार, नालंदा, बंगाल, नेपाल, इंडियन म्यूजियम कोलकाता। ठीक है, इसको आप कैसे याद करेंगे? जब हम आपको मौर्य काल पढ़ाएंगे, तो मौर्य काल में पूर्ण रूप से मौर्य काल आपका किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आप याद कर सकते हैं कि जो बुद्ध हैं, उनका संबंध सारनाथ से है, नालंदा से है, बंगाल से है, नेपाल से है और बिहार से है। ठीक है, क्योंकि बिहार नालंदा अलग नहीं है, नालंदा और बिहार में इनकी मूर्तियां प्राप्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अवलोकितेश्वर। अभी हम बात कर रहे थे मंजूश्री की, नेक्स्ट है अवलोकितेश्वर, जिनका टाइम पीरियड है नौवीं से दसवीं शताब्दी। देख लीजिए इनको अच्छे से। बोधिसत्व में अवलोकितेश्वर सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। महायान ग्रंथों में अवलोकितेश्वर के विभिन्न नाम दर्शाए गए, जैसे अमिताभ, बोधिसत्व, पद्मपाणी और अवलोकितेश्वर। आपने देखा होगा अजंता में, जब आपने पढ़ा है उसमें आपने पढ़ा होगा पद्मपाणी, जिनके चित्र बनाए गए हैं, तो क्या है? अवलोकितेश्वर। ठीक है, तो इनके कई सारे नाम हैं, अमिताभ, बोधिसत्व, पद्मपाणी और अवलोकितेश्वर। भगवान अवलोकितेश्वरा नामक बोधिसत्व के रूप में
अवतरित हुए जिनका मुख्य कार्य क्या है? जनहित के लिए चारों दिशाओं में देखना, यानी कि लोगों का हित करने के लिए, जनहित के लिए चारों दिशाओं में देखना ही इनका क्या है, मुख्य कार्य है। किसका है? पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का। नेक्स्ट है अवलोकितेश्वर की प्रतिमाएं। तो अवलोकितेश्वर की जो प्रतिमाएं हैं वो गुप्त काल सारनाथ से प्राप्त है, नेपाल के बौद्ध विहार से प्राप्त है, जिसमें 300 वर्ष पुराने अवलोकितेश्वर की कितनी चित्र हैं? 108 रूपों में चित्र हैं। राज्य संग्रहालय लखनऊ में, पटना संग्रहालय, यहाँ पे इनकी धातु प्रतिमा है, कुर्की हार में धातु है, स्टुअर्ट ब्रिज संग्रहालय में एक खड़ी प्रतिमा है, उसके बाद बोस्टन संग्रहालय में अवलोकितेश्वर की दो प्रतिमाएं हैं। ठीक है, अब आप इसको अवॉइड करिए, इसको मत देखिए, अब आपको केवल याद करना है केवल ये कि कहाँ कहाँ से इनकी प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल तो नहीं जाएगा, लेकिन आपको देख लेना है। लेकिन आपको पूरा फोकस किस पे करना है? इस वाली लाइन पे, ये गुप्त काल से प्राप्त है, नेपाल से है, राज्य संग्रहालय में रखा है, पटना संग्रहालय में है, कुर्की हार में है, स्टुअर्ट ब्रिज संग्रहालय में और बोस्टन संग्रहालय में है। नेक्स्ट है इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है और काठमांडू नेपाल के बुद्ध विहार में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है मैत्रेय। अभी हमने क्या क्या पढ़ा? मंजूश्री पढ़ा, अवलोकितेश्वर पढ़ा, अब नेक्स्ट है मैत्रेय। तो मैत्रेय जो है वो भविष्य के बुद्ध माने जाते हैं। इसमें देखिए, यह गौतम बुद्ध के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। मैत्रेय संस्कृत भाषा का शब्द है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मैत्रेय भविष्य में होने वाले बुद्ध हैं। शाक्त बुद्ध के निर्माण के 4000 वर्ष बाद पृथ्वी पर मानव रूप में इनका अवतार होगा। ठीक है, इसमें शाक्त बुद्ध के निर्माण के 4000 वर्ष बाद पृथ्वी पर मानव रूप में इनका क्या किया जाएगा? अवतार किया जाएगा, अवतार होगा इनका। लेकिन कहा गया है बहुत जगहों पे इनकी मूर्तियां भी प्राप्त हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, मैत्रेय प्रतिमा का निर्माण कुषाण काल मथुरा और गांधार की कला में हुआ है। गेटे महोदय के विचार से भारतीय कला में मैत्री धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में प्रदर्शित है। इनकी यहाँ मुद्रा की भी बात हो गई कि किसके विचार से? गेटे महोदय के विचार से। तो गेटे महोदय ने कहा कि मैत्रेय जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन रूप में प्रदर्शित है, और मैत्री का प्रतीकात्मक जो है वो है उष्णीय। ये आपका PYQ है, इसमें पूछा गया था मिलान के तौर पे। आपको क्या है PYQ? ये मिलान पूछा गया था कि मैत्री का जो प्रतीकात्मक होता है वो क्या है? उष्णीय है। तो ये रिलेट करेगा कहां से? इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, कटरा मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा कुषाण काल की है। इसका मथुरा शैली में वर्णन हुआ है, जिसमें दोनों हाथ गोद में और बंद आंखें ध्यान अवस्था के प्रतीक में माना गया है। ये प्राप्त कहाँ से है? कुषाण काल के कटरा यानी कि मथुरा से प्राप्त है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कटरा की बात हो रही है, ये कटरा मथुरा, क्योंकि मथुरा से ही रिलेट करता है कटरा, जो किस काल में है? कुषाण काल की है। कुषाण काल में दो कलाएं हैं, गांधार और मथुरा। जब हम यहाँ पे इस टॉपिक पे आएंगे तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। कुषाण काल में मथुरा विद्यालय कला के उच्चतर शिखर पर बनाया गया था, और सबसे विशिष्ट कार्य इस काल के दौरान किया गया था,
किस पे? मथुरा विद्यालय में। सुल्तानगंज की बुद्ध प्रतिमा एक प्राचीन विशालकाय ताम्र प्रतिमा है जो 1861 ईस्वी में बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज में ईस्ट इंडिया रेलवे के निर्माण के समय खुदाई में प्राप्त हुई है। यह अभय मुद्रा में निर्मित है जो ब्रिटिश संग्रहालय या फिर बर्मिंघम संग्रहालय में सुरक्षित है। अब इसको थोड़ा इजी वे में बात कर लेते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया था मूर्ति को देके, जैसे कि सबसे पहला आपका है ये मूर्ति कहाँ से मिली है, ठीक है? तो कहाँ से मिली है, तो ये सुल्तानगंज से प्राप्त है, सुल्तानपुर के बिहार के भागलपुर जिले से प्राप्त है। पूछता है किस सन में बनाया गया, 1861 ईस्वी में इसे खुदाई में प्राप्त की गई थी, और किस मुद्रा में है, अभय मुद्रा में है, किस संग्रहालय में रखा गया है, तो ब्रिटिश संग्रहालय या फिर बर्मिंघम संग्रहालय में रखा गया है। इसका निर्माण छठी शताब्दी मानी जाती है और इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो इसकी ऊंचाई है 2.3 मीटर और चौड़ाई है 1 मीटर, ठीक है? ऊंचाई है 2.3 मीटर और चौड़ाई है 1 मीटर और इसका जो साइज है वो है 7 फीट। और सारनाथ स्थित बुद्ध की जो प्रतिमा है वो किस पत्थर से निर्मित है, तो चुनार बलुआ पत्थर। ये याद रखिएगा कि सारनाथ की जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो चुनार बलुआ पत्थर से ही है, ना ही वो ग्रेनाइट की बनी है, ना ही वो ग्रे सिस्ट की बनी है, वो केवल बनी है चुनार बलुआ पत्थर से। नेक्स्ट पॉइंट, प्रियान बनाल द्वारा समर्पित मथुरा का बोधिसत्व नामक प्रसिद्ध कुषाण मूर्ति पुरातत्व संग्रहालय वाराणसी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपके PYQ के ही पॉइंट्स हैं, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ये पॉइंट्स इसीलिए मैंने ऐड किया है कि आपको PYQ याद करने में दिक्कत ना हो। अगर आप ये नोट्स तैयार कर लोगे तो PYQ आपको तुरंत याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है गांधार शैली की बुद्ध प्रतिमाएं। बुद्ध प्रतिमाओं में भूमि स्पर्श, ध्यान, धर्म चक्र प्रवर्तन, अभय, वरद नामक मुद्राओं का प्रदर्शन मिलता है। इस शैली की बुद्ध प्रतिमा विज्ञान में अक्षोभ के द्वारा भूमि स्पर्श मुद्रा दर्शाया गया है। अतः ध्यानी बुद्ध में अक्षोभ की मुद्रा क्या है? भूमि स्पर्श है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अक्षोभ है वो किस मुद्रा में दर्शाए गए हैं, तो वो भूमि स्पर्श मुद्रा में दर्शाया गया है। जब वो आप चार्ट याद कर लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। मृत्यु के पूर्व बुद्ध ने कहा था कि सभी संघातिक वस्तुओं का विनाश होता है, अपनी मुक्ति के लिए उत्साहपूर्ण प्रयास करो। बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी शरीर धातु के 8 भाग किए गए, ठीक है? उनके शरीर धातु के 8 भाग किए गए और प्रत्येक भाग पर क्या बनाया गया? स्तूप बनाया गया है। और महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर को 8 दावेदारों में बांटा गया। अतः विशाल का महापरिनिर्वाण बुद्ध अजंता और कुशीनगर में स्थित है, ठीक है? यह आपका कीवर्ड है, अजंता और कुशीनगर। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बुद्ध की विशाल का महापरिनिर्वाण बुद्ध कहाँ स्थित है, तो अजंता और कुशीनगर में। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इनके PYQ के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है बुद्ध के जीवन के मुख्य घटनाओं से जुड़े स्थानों का सही अनुक्रम। देखिए वो क्वेश्चन आ गया, 2011 में पूछा गया था। सबसे पहले लुम्बिनी, फिर है बोध गया, फिर है सारनाथ, देन लास्ट है कुशीनगर। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसको ऐसे मैच करेंगे। लुम्बिनी में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। बोध गया में इन्होंने क्या किया,
नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, सुल्तानगंज से पाई गई गुप्त की तांबे की बुद्ध मूर्ति किस मुद्रा में प्रदर्शित है? मैंने आपको पढ़ाया था किस मुद्रा में है, अभय मुद्रा में है। एक मिनट, सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस माध्यम में गढ़ी गई? तो इसका माध्यम है चुनार बलुआ पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रियान बलाल द्वारा समर्पित मथुरा का बोधिसत्व प्रसिद्ध कुषाण मूर्ति किस संग्रहालय में है? तो ये है पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ। नेक्स्ट, बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में किसके द्वारा भूमि स्पर्श दर्शाया गया? जस्ट अभी हमने देखा अक्षोभ्य। मूर्ति कलाओं के सही क्रम, देखिए यहाँ पे मूर्ति कलाओं के सही क्रम, तो ये जब मैं आपको मंदिरें पढ़ाऊंगी तो उसमें याद करा दूंगी। ये है अवलोकितेश्वर जो रत्नगिरी से प्राप्त है, बुद्ध कुरकीहार, अवलोकितेश्वर अलची, बाहुबली जो श्रावण बेलगोला से प्राप्त है, ये है इसके सही कालक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिलान करें। अब देखिए यहाँ पे मिलान आ गया, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, महापरिनिर्वाण कुशीनगर, धर्म चक्र प्रवर्तन इसीपत्तन, और अभी अभी निशिक्रमण कपिल वस्तु। नेक्स्ट पॉइंट, विशालकाय महापरिनिर्वाण बुद्ध भारत में कहाँ स्थित है? जस्ट अभी डिस्कस किया अजंता और कुशीनगर। बौद्ध प्रतिमा लक्षण किसे दर्शाती है? तो आप सभी को पता है कि बौद्ध प्रतिमा लक्षण किसे दर्शाती है, बुद्ध की पौराणिक संकल्पनाओं को। आपसे ऑप्शन है पूछने, बुद्ध के जन्म को, बुद्ध के मृत्यु को, बुद्ध के पौराणिक कथाओं को, तो इनका जो मेन आंसर है वो बुद्ध की पौराणिक कथाओं को ही दर्शाया गया है। नेक्स्ट है सही मिलान। सही मिलान में क्या है, उपदेश देते हुए बुद्ध, तो इनकी जो प्रतिमा है वो प्राप्त है पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का चित्र संबंधित है, कि आप सभी बता सकते हैं अजंता की गुफा संख्या फर्स्ट यानी कि पहला, आपने पढ़ा होगा इसे। नेक्स्ट है, उस पुरातात्विकता का नाम क्या है जिसके मध्य एशिया में मिरक के बौद्ध मठों के अवशेषों की खोज की है? उसका नाम है सर आरएल स्टाइन। तो ये रहे आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चन।